हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। तो मैं यहाँ पे आज इडली बना रही हूँ, सूजी की इडली जिसको रवा इडली भी बोलते हैं कई जगह पे, और बहुत ही जल्दी बन जाती है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल जो है 1.5 कप सूजी ली है, और जितने आप सूजी लेंगे उतनी ही आपको दही लेनी होती है। तो 1.5 कप सूजी ली है मैंने और 1.5 ही कप मैंने यहाँ पे दही डाली है, और इसको अच्छे से फेंट लीजिए। लंप फ्री, कोई लंप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फेंट लिया है बढ़िया तरीके से, कोई लंप नहीं है। और 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जिसको कम पसंद है वो कम डाले, जिसको थोड़ा ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाले। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 चम्मच डाला है, और उसके बाद इसको अच्छे से फेंट के एक साइड रख दिया है। अब मैं इसको थोड़ा 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए और एक साइड रख दीजिए। आधे घंटे बाद हम इसका यूज़ करेंगे। और साथ ही मैंने ये यहाँ पे प्रेस्टीज का जो है इडली का स्टैंड है, ये मैंने पूरा इडली मेकर नहीं लिया हुआ, इडली का स्टैंड लिया हुआ है। ये कुकर में रख के बनाती हूँ मैं, तो मैंने अभी लिया था 350 रुपये का, हॉकिंस का, फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे इतने तक वो 30 मिनट्स तक रखा हुआ है वो घोल सूजी वाला, तब तक मैं यहाँ पे इसको ग्रीस कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ देसी घी लिया हुआ है हाथ में, और अच्छे से इसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ, जैसे जब हम इडली निकालें तो चिपके नहीं। तो मैंने यहाँ पे सारे सांचे जो हैं उनको ग्रीस कर लिया है और एक साइड रख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया है पूरा आधा घंटा, तो मैंने यहाँ पे इसमें सूजी का मिक्सचर देखा है। देखिए कंसिस्टेंसी इस तरीके की दिखती है 30 मिनट रखने के बाद, क्योंकि जो सूजी है वो दही का मॉइस्चर को सोख लेती है और इस तरीके से हो जाता है। अब मुझे यहाँ पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा घोल अलग सा चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी सूजी के घोल की जैसी होती है आपको पता ही है, नहीं पता तो आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इस तरीके का घोल बनाना है कि वो बहे भी ना सांचों में से और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो यहाँ पे मैंने पानी मिक्स करके एक घोल बना लिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इडली के लिए। और यहाँ पे मैंने बस उसके बाद इसमें जब आप बनाने लगे तभी साथ साथ इनो डालिए। तो मैंने यहाँ पे पौना चम्मच डाल लीजिए, और भी अच्छी बनेंगी इडली। पौना चम्मच इनो डाला है, जो पैकेट आता है पूरा इनो का एक, उसका थोड़ा सा छोड़ दीजिए पोर्शन, और बाकी सारा डाल दीजिए और अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए। और बस इसको सांचों में यहाँ पे भर दीजिए। सांचे पूरे ऊपर तक मत भरिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, जैसे इडली जो फूलेगी तो उसके लिए स्पेस रहे। तो मैंने यहाँ सारे सांचे भर दिए हैं अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको अरेंज करना है कि एक के ऊपर एक सांचा ना हो, थोड़ा सा पोजीशन जो है वो उसकी आगे पीछे तिरछी कर दीजिए, क्योंकि अगर एक के ऊपर एक होगा तो इडली को फूलने का स्पेस नहीं मिलेगा। और मैंने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया है, जो यहाँ स्टैंड है, ये जो मैं पेच लगा रही हूँ ये लॉक के लिए आता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा कुकर, ये जो इडली स्टैंड है ये 5 लीटर के कुकर के लिए मंगाया था मैंने, तो ये 5 लीटर का कुकर है। और मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है, और 1.5 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इडली स्टैंड उसमें रख दिया है। और कुकर की सीटी निकाल के आपको कुकर बंद कर देना है, क्योंकि सीटी नहीं चाहिए होती इसमें। और उसके बाद जो है 15 मिनट में ये इडली तैयार हो जाएंगी। 5 मिनट जो है इसको हाई फ्लेम पर रखिए, और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, और उसके बाद आपकी इडली जो है बढ़िया फूल जाएंगी, बहुत ही नरम और स्पॉन्जी इडली बनेगी। तो यहाँ देखिए 15 मिनट हो गई है, मैंने कुकर खोला और कितनी बढ़िया इडली बनी है, इतनी स्पॉन्जी, इतनी सॉफ्ट, टेस्ट में बहुत ही अच्छी। और बस अब मैं इसको फ्राई करूंगी। तो मैंने यहाँ पे काट लिया है इसको 4 टुकड़ों में, जैसे मैं काट रही हूँ 4 हिस्से कर लिए हैं इडली के, जैसे जब फ्राई करने के बाद खाएं तो एक एक हिस्सा मुँह में आए, ज़्यादा बड़ी इडली मुँह में ना आए। तो बस फ्राई करने में कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में मैंने डाला है देसी घी, क्योंकि देसी घी का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इडली में। उसके बाद मैंने यहाँ पे राई डाल दी है, जैसे ही राई जो है वो चटक जाएगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता और प्याज जो है वो साथ साथ ही चॉप कर ली थी चॉपर में, तो मैंने वो डाल दी है। और अब बस मैं इसको मिक्स करूँगी और तब तक चलाऊंगी प्याज को जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पे हो गई है प्याज ब्राउन, तो मैं अब यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहें तो मिर्च भी डाल सकते हैं, पर ईवान खाएगा इसलिए मैंने मिर्च नहीं डाली है यहाँ पे। तो धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और बस वो इडली डाल दी है और इडली को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इतनी टेस्टी इडली बनी थी, सबको घर में बहुत पसंद आई, ईवान भी बहुत खुश होकर खाता है। और अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे आपकी इडली जो है बिल्कुल तैयार है, नरम नरम इडली, और बहुत ही हेल्दी और क्विक रेसिपी।